वर्ल्ड की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर आवासीय व्यवस्था थी, वर्ल्ड की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर 10,000 विद्यार्थी रहते थे और रह करके शिक्षा ग्रहण करते थे। ऐसी यहां पर तीन बड़ी बड़ी लाइब्रेरी थी, जिनमें से एक 5 मंजिला थी और एक 9 मंजिला थी। जो 9 मंजिला लाइब्रेरी थी, उसी में जो किताबों की संख्या है 4 लाख से ऊपर बताई जाती है। आर्यभट्ट वो व्यक्ति थे जिसने खगोल शास्त्र को एक अलग रूप दिया, उसमें एक उनका अभूतपूर्व योगदान था। वो इसी यूनिवर्सिटी से, इसी विश्वविद्यालय से संबंध रखते थे। तो मित्रों, अभी निकलते हैं नालंदा के लिए और लगभग 1 घंटा लगेगा। तो यहाँ से बस मिलती है राजगीर से नालंदा के लिए, तो नालंदा निकलते हैं, फिर मिलेंगे नालंदा में। सर ये जा रही है ना नालंदा? हाँ हाँ, नालंदा। नालंदा पक्का? हाँ हाँ, हम तो आ गया, जाइए ना नालंदा पहले। भाई एक तो धूल इतनी है, कहीं पे भी जाते हैं यहाँ सारी सड़कों पे, गलियों में, तो धूल से मुझे पर्सनली भी प्रॉब्लम है थोड़ा, इसलिए मैं मास्क यूज़ करता हूँ जहाँ धूल होती है। यहाँ बस में भी अभी झाड़ रहा हूँ तो इसमें भी जबरदस्त धूल निकल रही है। कोई नहीं, अपनी डेस्टिनेशन है नालंदा, चलते हैं वहाँ से, बातें करते रहेंगे। नालंदा तो आ गए हैं भाई, अब यहाँ से कोई ई रिक्शा खोजते हैं वो खंडर के लिए, जो सीधा वहीं जाए। खंडर जाओगे? खंडर खंडर, चलो ये भी मिल गई सवारी, सीधा चलते हैं उधर ही खंडर से। क्या है कि मैं आया था इस तरफ से, और यहाँ से जब आप इस रोड से सीधे आएंगे तो लेफ्ट साइड में उल्टे हाथ की तरफ पड़ेगा नालंदा यूनिवर्सिटी का खंडर, और इसके राइट साइड में माने सीधे हाथ की तरफ है म्यूज़ियम। वहाँ खंडर से निकाली गई जो चीज़ें हैं वो इस म्यूज़ियम में रखी गई हैं। तो चलिए अभी चलते हैं खंडर की तरफ, अंदर उसमें देखते हैं क्या क्या मिलेगा हमें। अंदर जब जाएंगे आपको तो टिकट लेना पड़ेगा, भारतीय नागरिक के लिए है 40 रुपये, विदेशी नागरिक के लिए है 600 रुपये, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए है फ्री, और कैमरा शुल्क है 25 रुपये मात्र। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। अच्छा, कई बार मुझे कुछ गोरे मिले हैं, विदेशी नागरिक मिले हैं, तो अपने इंडियन के मन में भी ये रहता होगा कि भाई विदेशियों से, नागरिकों से इतना पैसा क्यों लेते हैं, कि इंडियन के लिए 40 रुपये, विदेशी नागरिक के लिए 600। तो ये क्या है कि ये कैलकुलेटेड अमाउंट होता है PPP के अकॉर्डिंग, परचेजिंग पावर पैराइटी, कि एक हिंदुस्तानी के लिए जितनी कीमत 40 रुपये की है उतनी ही कीमत इन विदेशियों के लिए, ज़्यादातर के लिए, मतलब मैं हर एक का नहीं कह रहा हूँ, पर अधिकतर के लिए उतनी ही कीमत 600 रुपये की होगी। PPP क्या होता है कि अभी जैसे आपको परचेजिंग पावर पैराइटी काउंट करनी है तो इंडियन रुपये को 15 से गुना करो तो कितना बनेगा, अगर 40 है तो 15 × 60 600 रुपये, कहीं पे अगर 20 रुपये की टिकट है तो 15 से गुना करो 300 रुपये, ताजमहल पे अगर ज़्यादा है तो उसका कारण भी यही है। मतलब PPP सेम कि 15 से गुना करिए, वो सब कुछ है, मतलब इंडियन रुपी का 15 गुना वो होता है फॉरनर्स के लिए, जिसमें कि मेजॉरिटी मोस्टली जो कंट्रीज हैं, अमीर जो देश के लोग हैं उनके लिए वो इतना ही चलता है। कुछ एक देश के लोग हैं जो थोड़े गरीब हैं, या कहें कि अपने साउथ एशियन कंट्रीज हैं, तो उनके लिए अलग अलग रेट हर जगह पर होते हैं। चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ पर बताने के लिए तो बहुत कुछ है। वर्ल्ड की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर आवासीय व्यवस्था थी, वर्ल्ड की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर 10,000 विद्यार्थी रहते थे और रह करके शिक्षा ग्रहण करते थे। और शिक्षा में भी अगर बात करें तो सिर्फ ये शिक्षाएँ नहीं थी कि जैसा आजकल होता है कि आप पढ़ करके कमाना सीख जाओ, उससे अलग बहुत सारे सब्जेक्ट थे, जो कि बुद्ध का महायान था, और हिस्ट्री थी, फिलॉसफी थी, एस्ट्रोनॉमी थी, एस्ट्रोलॉजी थी, आर्ट थी, तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट थे जो अलग अलग रूप में अलग अलग लोगों को पढ़ाए जाते थे, और दूर दूर देशों से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। और दूसरा, यहाँ पर जो व्यवस्था थी, फंडिंग थी पैसे की, वो सब का सब दान के थ्रू चलता था, कि आसपास के लोग दान देते थे, जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते थे वो लोग दान देते थे, और जो यहाँ के आसपास के राजा रजवाड़े थे, बड़े बड़े राजा थे, वो समय समय पर इसकी देखभाल के लिए दान देते रहते थे। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर भी बहुत कुछ है, आपको दिखाते रहेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये मोस्टली पुराना स्ट्रक्चर है, एंशियंट स्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटी के समय का ही।
ये सामने हमारे शिवाजी भाई खड़े हैं क्योंकि हम तय करके आए थे कि बराबर समय पे इधर पहुंचेंगे और पहुंच भी गए, तो एक साथ हम यहाँ पहुंचे और अपना घूमना हमने शुरू किया है। ये है वो कैंपस, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपको दिखाते हैं, जिसकी खुदाई की गई 1912 से 17 के बीच में और समय समय पर ऐसी खुदाई होती रही। इसमें क्या है कि अलग अलग विहार थे, मंदिर थे, हॉस्टल्स थे, लाइब्रेरीज थी। लाइब्रेरी तो बहुत बड़ी थी, हम सब ने सुना है कि यहाँ जो लाइब्रेरी थी जब उसमें आग लगाई गई खिलजी के द्वारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा सन 1199 में, तो महीनों तक वो आग जलती रही क्योंकि उन लाइब्रेरीज में किताबों की संख्या लाखों में थी। ऐसी यहाँ पर तीन बड़ी बड़ी लाइब्रेरी थी जिनमें से एक 5 मंजिला थी और एक 9 मंजिला थी। जो 9 मंजिला लाइब्रेरी थी उसी में जो किताबों की संख्या है 4 लाख से ऊपर बताई जाती है। और होता क्या था कि जो भी मतलब फिलोसोफर होता था या जो ज्ञानी व्यक्ति होता था, शिक्षक होता था, वो अपने जीवन का सारा जो ज्ञान था लिखता था, वो सब संग्रह करके लाइब्रेरी में देता था। उसके मरने के बाद वो चीज़ें लाइब्रेरी में जमा कर दी जाती थी। तो इस तरीके से बाकी जो इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया था लगभग गुप्त साम्राज्य के समय में, तो 500 साल पूर्व, और इसको जलाया गया था 1199 में बख्तियार खिलजी द्वारा। तो ये 1700 साल तक ये यूनिवर्सिटी अपने भव्य स्वरूप में चलती रही, और उस 1700 सालों में पूरे विश्व से, अलग अलग देशों से, अलग अलग कॉन्टिनेंट से लोग यहाँ आते थे शिक्षा ग्रहण की, और उसी शिक्षा का असर है कि आज बहुत जगह बुद्धिज्म फैला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये सबसे पहला विहार है जो एक्सकेवेट किया गया और मुख्य विहारों में से एक है। यहाँ क्या था कि फर्स्ट फ्लोर पे लगभग 36 कमरे थे भिक्षुओं के और शिक्षार्थियों के रहने के लिए। ये पूरी लाइन है, ये लाइन से सबके सब कमरे हैं उसी समय के, जो कि ये जैसे आले जो आप देख रहे हैं घुसते ही, ये किए रहा, ये क्या है, एक तो एयर पासेज के लिए, दूसरा यहाँ पे जो लाइट रखने के लिए, मतलब कि दिया रखने के लिए ताकि उजाला आता रहे, उसके लिए बने होते थे। ये रहा छोटी वाली अलमारी जो कि किताबें पुस्तक रखने के लिए बनाई गई थी। ये जितना भी एरिया था, ये जैसे खिलजी ने जब इसमें तोड़फोड़ की तो उसके बाद एक बार और ये बनाया गया, फिर बाद में से दोबारा तोड़ा गया 1400 के आसपास, तो उसके बाद फिर इसे रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया गया। टोटली 3 बार रिकंस्ट्रक्ट हुआ, चौथी बार तोड़ने के बाद इसे रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया, तो ऐसे ही छोड़ दिया गया। समय आते आते बाढ़ आई, भूकंप आए, तो ये धीरे धीरे मिट्टी के अंदर दब गया था। मतलब ये सिर्फ एक टीला जैसा था पूरा एरिया। तो बाद में जब गोरों के समय में 1880 के समय की बात, तो एक जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जब यहाँ गठन हुआ इंडिया में, तो उन्होंने यहाँ घूमे थे, उनके जो अध्यक्ष थे उस समय के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के, तो उन्हें फिर लोगों ने बताया कि यहाँ ऐसे ऐसे कोई यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, ये सब था। फिर यहाँ पे खुदाई हुई, और खुदाई हुई तो ये सब निकला, और वो सब ऐसा निकला कि आज के वर्ल्ड में या आज तक वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ था। बहुत इतिहास छिपाए भैया अपने हिंदुस्तान में, और जिनको लगता है, मुझे भी लगता था कुछ समय पहले तक कि शायद गोरों को ही सब पता है, वही श्रेष्ठ हैं, उन्हीं के पास पैसा है, उन्हीं के पास ज्ञान है, वही अच्छे से रहना जानते हैं, वही अच्छे से खाना जानते हैं। पर सच्चाई ये है कि ना वहाँ कल्चर है, ना वहाँ शिक्षा है, सिर्फ साफ़ सफाई है, और वो भी कुछ जगहों पर जो कि आपको दिखाई जाती हैं। अगर आप उनसे हट करके अगर मैं न्यूयॉर्क शहर की ही बात करूं, तो न्यूयॉर्क शहर में इतने गंदे इलाके हैं कि आप वहां जाना पसंद नहीं करोगे कोई भी भारतीय व्यक्ति, तो वहां गंदगी भी इतने उच्च स्तर की है कि कोई जाएगा नहीं। सब कुछ है, पर हमें दिखाया वही गया है, और हम बड़ी आसानी से वो सब चीज़ें मान लेते हैं। चलिए ऐसे ही भ्रमण करते करते, ज्ञान बाँटते बाँटते
बढ़ते हैं अपने और अगले गंतव्य की तरफ। आर्यभट्ट और नागार्जुन, ये दो नाम हम सब ने सुने हैं और पढ़े हैं अपने बचपन से इतिहास की किताबों में। आर्यभट्ट वो व्यक्ति थे जिसने खगोल शास्त्र को एक अलग रूप दिया, उसमें एक उनका अभूतपूर्व योगदान था। वो इसी यूनिवर्सिटी से, इसी विश्वविद्यालय से संबंध रखते थे। और दूसरे थे नागार्जुन, जिन्होंने कहा जाता है कि जीरो दिया या जीरो की खोज की, वो भी इसी विश्वविद्यालय से पढ़े थे और संबंध रखते थे। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी मतलब महामूर्तियाँ थी, विशेष व्यक्तित्व थे जो इसी विश्वविद्यालय से पढ़े, और उन्होंने फिर अलग अलग रूप से, किसी ने गणित में, किसी ने खगोल शास्त्र में, किसी ने इकोनॉमी में, किसी ने धर्म में और फिलॉसफी में, अलग अलग योगदान दिए, और देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। तो वो सबका एक जनक क्षेत्र थी ये यूनिवर्सिटी। और ऐसी तीन यूनिवर्सिटियों का जो आजकल हमें इतिहास में मिलता है, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला। तक्षशिला आज पाकिस्तान में है, नालंदा ये रही, और विक्रमशिला यहीं से थोड़ी सी दूर है, कुछ किलोमीटर दूर बिहार में है। यहाँ पे चारों तरफ जो आप देख रहे हैं, ये सभी वही छात्रावास के कमरे थे जिनमें विद्यार्थियों के रहने सोने की व्यवस्था होती थी। और बीच में आंगन है, एक कुआं, और आंगन में ही जैसे दिन को पढ़ना होता था तो यहाँ आकर के पढ़ सकते थे। और ये जो स्ट्रक्चर है, इस पे आप देख रहे हैं, यहाँ खंभे होंगे निश्चित रूप से, और ऊपर से कोई छाया की या इस तरह की व्यवस्था रही होगी जिसमें कि वो आराम से दिन को अपना समय व्यतीत कर सकें। एक कॉमन एरिया टाइप जो जगह होती थी, हर एक छात्रावास में इसकी व्यवस्था थी। आज आप वर्ल्ड की कोई भी मॉडर्न यूनिवर्सिटी उठा लीजिए, वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। इसलिए नहीं कि ये 2000 साल पहले बनी थी, इसलिए कि आज की भी अगर कोई यूनिवर्सिटी होगी, वहाँ भी इतना बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा आंगन, इतने बड़े बड़े कमरे, हर विद्यार्थी के लिए अलग कमरा, और उसके बाद देखिए सबका सब डोनेशन बेस्ड है। पैसा नहीं लिया जाता था किसी विद्यार्थी से, ऐसा नहीं था कि आपको ज्ञान लेना है तो भैया घर से जाकर के इतना पैसा लाओ, पैसा नहीं है तो अनाज ले आओ, अनाज नहीं है तो आपके पिताजी जो काम करते हैं वो ले आओ, ऐसा नहीं था। सब डोनेशन बेस्ड था। अगर किसी की इच्छा पढ़ने की थी, शिक्षा ग्रहण करने की थी, तो वो यहाँ आए और शिक्षा ग्रहण करे और अपना योगदान उस क्षेत्र में दे जिसमें वो काबिल बनता है। गजब था। और यही इतिहास, ये जो गौरवशाली इतिहास है, ये सिर्फ दो पन्नों में हमें पढ़ा दिया जाता है हमारे स्कूल में, और इसका जो असली स्वरूप है वो तभी दिखता है जब आप इन जगहों पर, इन मोन्यूमेंट्स पे, इन खंडरों पे आते हैं, देखते हैं, समझते हैं। घर बैठ के ये नहीं समझा जा सकता। हाँ, निश्चित रूप से हम ये सब वीडियो ये सब देखते हैं, उसमें बहुत कुछ और दिखता है, दिखाया जाता है। तो गुजारिश मेरी सबसे, एक कहें कि विनती ये रहेगी कि कम से कम आप कोशिश करें कि अपने जीवन में एक बार ऐसी जगहों पर अवश्य जाएं, और आप नहीं जा सकते तो अपने बच्चों को ज़रूर भेजें। स्कूल से टूर जाते हैं, नहीं जाते हैं तो आप रिक्वेस्ट करें स्कूलों को, कॉलेजों को, कि वो भेजें, बहुत ज़रूरी है इतिहास जानने के लिए। और ये अलग अलग विहार हैं, अलग अलग छात्रावास हैं। तो ये आप देखिए, हर एक छात्रावास के बीच में एक पूरा चौड़ी गली है, कि मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, हर एक छात्रावास अपना एक अलग स्ट्रक्चर रखता है। तो किसी भी तरीके से विद्यार्थी पढ़ें, नाचें, कूदें, कुछ भी करें, एक का कनेक्शन दूसरे से नहीं रहेगा। कनेक्शन माने उनसे कोई परेशानी या कोई और ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ये आ गया जी हॉस्टल नंबर 8, छात्रावास संख्या 8, या कहें कि विहार संख्या 8। इसमें एक कमरा है जिसका जो मुख्य द्वार है वो अपने पूर्ण स्वरूप में बचा है, और निर्माण शैली की ये व्यवस्था केवल इसी विहार में, या कहें कि नालंदा यूनिवर्सिटी के इस एरिया में ही देखने को मिलेगी। ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ थी। हर एक हॉस्टल के आंगन में ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं बीच में, ये देवालय होता था, पूजा का जगह होती थी, जहाँ पे पूजा कहें या मंत्रोच्चारण कहें या कहें कि ध्यान होता था। तो आजकल उसका एक अलग अलग स्वरूप हम अपने मन में बना सकते हैं। तो लेकिन हर एक छात्रावास में जैसे एक कुआं होता है, इधर भी है, वो सामने कुआं दिख रहा है, और एक देवालय होता था, कॉमन एरिया होता था, ये सब इधर होते थे।
यही है वो रूम। हाँ, इसका जो पूरा दरवाजा, ये आप देखिए इस कमरे का बचा है। और ये नया डाला है, लकड़ी, इसमें लकड़ी होती है। अच्छा, यहाँ पे लकड़ी होती थी। और ये जो सज्जा है, ये जो आप देखिए ईंटों पे जो कारीगरी है ऊपर, ये उसी समय की है। दंतु सज्जा इसे बोलते हैं, उससे सुसज्जित था ये कमरा। आप इसके अंदर आइए, अंदर आएंगे तो देखेंगे ये खंडर है, पर स्ट्रक्चर से समझ आ जाता है कि हाँ क्या क्या चीज़ें कैसे रही होंगी। बहुत से लोगों के लिए तो ये सिर्फ खंडर है, ईंटें हैं, ईंट ईंट हैं। जैसे अभी मैं जा रहा था तो कुछ नए लड़के थे, लड़के लड़कियां, वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं, ईंटा ही ईंटा है बस, इधर कुछ नहीं है, सब ईंटा है। कुछ को ये ईंटें दिखती हैं, कुछ को इतिहास दिखता है, कुछ को गौरवमय इतिहास दिखता है। देखने के लिए बहुत कुछ है, और कुछ को खिलजी के द्वारा की हुई तोड़फोड़ भी दिखती है। दिखेगा सब कुछ, बस मन आपका होना चाहिए देखने वाला। चलिए चलते हैं, और बाकी के छात्रावासों में हैं, और थोड़ा इधर उधर विचरण करते हुए कुछ चीज़ें और आपको दिखाएं, और फिर निकलेंगे यहाँ से भी, और यहाँ से निकल करके जाएंगे म्यूजियम में। म्यूजियम में मुझे पता नहीं है कि वो फ़ोन अलाउड करते हैं या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर म्यूजियम में फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होती। अगर यहाँ पर वो अलाउड होगी तो मैं ज़रूर फ़ोन ले करके जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। वीडियो तो नहीं होगी मेरे हिसाब से, फ़ोटो ही होगा। अरे फोटो भी हुआ तो चलो दिखाएंगे आपको, बिल्कुल चिंता मत करिए, देखते रहिए, बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और हाँ यार, एक काम और करो आप लोग, जब देख ही रहे हो ना, तो है क्या कि अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो ये थोड़ा और फैलेगी, मतलब सही लोगों तक। अगर आपको लगता है कि वीडियो सही है तो भाई लाइक भी कर दिया करो, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, और अगर नहीं किया है गलती से तो वो कर लेना। चलो चलते हैं आगे। तो अभी हम आ गए हैं हॉस्टल संख्या 11, या कहें कि विहार संख्या 11 में, और एक्सकेवेशन साइट का ये लास्ट विहार है। मतलब नंबर भी इन्होंने ही दिया है, हैं तो इससे और भी बहुत ज़्यादा, पर वो सारे एक्सकेवेटेड नहीं है। कहा जाता है कि इसका एरिया मतलब और 10 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें कि आजकल गाँव बसे हुए हैं कुछ। तो बाकी इसकी बात करें विहार की, तो हर एक विहार में बरामदा होता था कमरों के सामने, जहाँ मैंने बताया था कि खंभे खड़े होते दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे खंभों का स्ट्रक्चर अभी बचा है। और विहारों में खंभे ख़त्म हो चुके हैं, टूट गए होंगे या उखाड़ लिए गए होंगे, जो भी था। यहाँ के खंभे मैं आपको दिखा देता हूँ, और इन खंभों के ऊपर था बरामदा। ये जो सामने आप से खंभे देख रहे हैं, टूटे छोटे बड़े, ये सब थे बरामदे के चारों तरफ के खंभे, और ये है बरामदे का हिस्सा, माने कमरे, कमरे के सामने बरामदा, और उस बरामदे के सामने था ये जो कॉमन एरिया कह सकते हैं आप इसको, ये सब यहीं पे। अच्छा, हर एक छात्रावास में लगभग 30 से 36 कमरे होते थे, और वहीं पे उनका एक कुआं होता था, एक कॉमन एरिया होता था, और भट्टियां होती थी खाना बनाने के लिए। हर एक छात्रावास में ड्रेनेज की एक उचित व्यवस्था होती थी, क्योंकि अगर पानी है तो उसके निकास की भी आवश्यकता होगी, तो उसी हिसाब से नालियाँ बनी होती थी हर एक छात्रावास में ऐसे ही। और भोजन पकाने के लिए भी हर छात्रावास में भट्टियाँ होती थी, तो इस छात्रावास में भी 6 भट्टियाँ हैं जो कि भोजन पकाने के लिए प्रयोग की जाती थी। क्या है कि मैं बीच बीच में ना, कभी आपने देखा होगा ज़्यादातर वीडियोज़ में, मैं चश्मे लगा लेता हूँ, तो उसका एक कारण है कि कोविड के बाद से थोड़ा धूप से परेशानी होने लगी थी, और बिना चश्मे के अगर बाहर निकलता हूँ, धूप में निकलता हूँ, तो थोड़ा सिर में दर्द या ऐसे कुछ होने लगता है। तो इसको आप किसी अदर वे में ना लें, एटीट्यूड में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कारण यही है कि मुझे धूप से थोड़ी परेशानी है, और उसके कारण मैं जैसे ही जहाँ धूप ज़्यादा होती है और ओपन एरिया बहुत ज़्यादा, माने नज़र जहाँ दूर तक जा सकती है, वहाँ मुझे मजबूरी में चश्मा लगाना पड़ता है। तो बीमारी नहीं है, बट हाँ थोड़ी परेशानी होती है। तो इस चीज़ को आप याद रखें कि हर एक वीडियो में ऐसा होता है कि ज़्यादातर में कि मैं चश्मा लगाए हुए होता हूँ या लगा लेता हूँ बीच में, कि अगर जैसे धूप ज़्यादा हो जाती है। तो चलते हैं आगे, इसमें एक बीच में मेन मंदिर है, उस स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, उसके बाद यहाँ से विदा लेंगे। ये सभी छात्रावासों के सामने एक ऐसा शायद एक मंदिर रहता होगा, मतलब छात्रावास के कंपाउंड में। तो इस तरफ सामने आप देख रहे हैं ये सारे विहार हैं, या कहें छात्रावास हैं, और इनके बिल्कुल सामने ये है मंदिर, जो इसका मेन मंदिर रहता था एक कंपाउंड का।
और मंदिर के साइड में जो ईंटें आपको दिख रही हैं ये सारी पुरानी हैं, और इसका कुछ फ्लोर मंदिर के नीचे भी हैं। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है इससे समझ आ रहा होगा कि ये ऊपर का हिस्सा, और ये था इसका टॉप फ्लोर। हाँ जी, तो नालंदा म्यूजियम आया था मैं अभी, और वही फ़ोन और वीडियो अलाउड है नहीं अंदर। दूसरा म्यूजियम भी बहुत छोटा सा है, 200-300 के आसपास इसमें आइटम्स टोटल हैं और सारी मूर्तियां हैं। दूसरा कि उन ज़्यादातर 8वीं शताब्दी के बाद की हैं, 8 से 10 शताब्दी के बीच की, तो उससे पहला नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2000 साल पहले कुछ था तो वो लगाएं। मैंने अब पूछा उससे सिक्योरिटी गार्ड से, तो वो बोले कि टोटल आइटम्स तो 13,700 कुछ हैं, लेकिन यह प्रदर्शनी में केवल इतने ही लगाए गए हैं, बाकी सब गोदाउन में रखे हैं। तो ठीक है, कभी ना कभी अपने जो सरकार हैं वो लगवाएंगी उनको गोडाउन से निकाल करके प्रदर्शनी में, तो सबको देखने को मिलेगा। बाकी आज का वीडियो, आज के जो हमारी यात्रा है वो यहीं समाप्त करते हैं। यहाँ से मैं निकलूँगा सीधा अब राजगीर के लिए बस लेकर के, और थकान है अब थोड़ी ज़्यादा, तो विश्राम करेंगे हम भी और आप भी। बाकी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अभी कम है सब्सक्राइबर वो ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपडेटेड रहें वीडियोस के लिए जब भी नई वीडियो आए। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।